कुछ लोग मर्सिडीज जी वैगन को उसकी ऑफ रोडिंग के लिए लेते हैं, कुछ लोग उसके लुक्स के लिए लेते हैं, कुछ लोग उसकी परफॉर्मेंस के लिए लेते हैं और कुछ लोग बस हवाबाजी करने के लिए लेते हैं। लेकिन जो रिच और स्मार्ट लोग हैं मेरे ऐसे इस गाड़ी को टैक्स बचाने के लिए लेते हैं, और वो ऐसे क्योंकि अमेरिका में एक टैक्स लॉ है जिसका नाम है सेक्शन 179 जिसे हमर्स लॉ भी कहते हैं। और इसके अंदर अगर कोई भी बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के नाम से एक व्हीकल लेता है जिसका कर्ब वेट 6000 पाउंड से ऊपर का है तो वो उस व्हीकल की 100% परचेज वैल्यू उसके परचेज ईयर में डिप्रिशिएट कर सकता है। और भले वो उस व्हीकल को फाइनेंशियल ईयर के लास्ट दिन मिले, तो मान लो इस साल कार वर्सल की $2,00,000 की इनकम हुई है और मुझे इस पे टैक्स पे करना है, तो मैं गया मर्सिडीज के शोरूम में और एक $2,00,000 की जी वैगन खरीद ली कारवासल के नाम में और इस गाड़ी को 100% डेप्रिशिएट कर दिया अपनी बुक्स में इसके परचेज ईयर में ही। तो अब टेक्निकली अगर आप देखें जो मेरी नेट इनकम है वो जीरो हो चुकी है और मैं ऑलमोस्ट $52,000 सेव कर सकता हूँ अपने टैक्सेस में एक सिंगल साल में। रिच पीपल आर वेरी स्मार्ट। और ये वाला सेम टैक्स रूल आप दूसरी कार्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैडिलैक एस्केलेड में या फिर हमर ईवी पे या फिर रोल्स रॉयस कलिनर में, क्योंकि इन सबका वेट बहुत ही ज्यादा है। और बाकी ऐसी और कुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।